सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ठीक, थोड़ी देर में करो। चंद्रशेखर जी, आप पहली बार राठ आए हैं, क्या योजनाएं रहेंगी आपकी राठ और बुंदेलखंड के लिए? देखिए कि मैं एक छात्रसंघ के पद पे हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पर राजनीति करती है, ना कि अदर लोगों की तरह भावनाओं पर राजनीति करती है। जो आज केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, वो सिर्फ भावना पर राजनीति करने वाली सरकार है। और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं मुद्दों पर राजनीति करता हूँ। यहाँ के जो तमाम मुद्दे हैं बुंदेलखंड के, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जो एकदम बुंदेलखंड को एक अनदेखा ही कर दिया जाता है। राज्य सबसे बड़ा राजस्व भी देने वाला ये बुंदेल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजस्व देने वाला एक हिस्सा है, पर इसको अनदेखा किया जाता है। इसकी लड़ाइयों को हम यहाँ के तमाम छात्रों के साथ मिलकर के, यहाँ के पार्टी का अपने साथी सभी साथियों के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसी योजना के साथ आगे काम करेंगे। चंद्रशेखर जी, यहाँ BNV इंटर कॉलेज में कुछ गाय बंद है, उनके उसके लिए उसकी अभी जानकारी नहीं है। तो आपकी पार्टी कुछ योगदान करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी योगदान, तमाम लोग उसमें पार्टी नहीं, लोग वैसे भी व्यक्तिगत जाके उसमें हेल्प कर रहे होंगे। मैं यहाँ नहीं था अभी, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि व्यक्तिगत लोग जाके हेल्प कर रहे होंगे। पर जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पूर्णतः विदाउट योजना, बिना योजना के काम किया जा रहा है। इसमें अगर सही तरीके से योजना बना करके, क्योंकि गाय इसी ठंड में, इस तरह की जो सर्दी, अगर मैं बोलता हूँ कि एक तमाम जो योजनाओं कर रहे हैं, अगर एक दिन वो व्यक्ति भी अगर ऐसे खड़े हो जाए तो शायद खुद कई प्रकार से क्षति हो सकती है और तमाम गांव डेली मर भी रही है। तो हम उनके लिए एक व्यवस्था के रूप में, एक योजना तरीके से, हम उस चीज की किसी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि किसी चीज के लिए एक अगर योजना तरीके से करा करके काम किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।